ओके सो हाय गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का हिम्मत सिंह का न्यू फोटो एडिटिंग। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है हिम्मत सिंह के जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ आते हैं, तो गाइस आज मैं वही कॉन्सेप्ट आप सभी को सिखाने वाला हूं। सो गाइस आप लोगों को करना क्या है गाइस, बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि गाइस आप लोग जब तक ध्यान से वीडियो को नहीं देखोगे तो तब तक गाइस आप सेम टू सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड गाइस बैकग्राउंड वगैरह कैसे इरेज करना सब कुछ आपको अभी वीडियो में बताऊंगा, तो मैं आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस जो भी इस वीडियो में स्टॉक वगैरह मैं यूज करूंगा इस वीडियो में सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने क्लाउड जो फोटो में क्लाउड कैसे ऐड करते हैं अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को देखने बाद जाकर इस वीडियो को जरूर वॉच करना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस पोज में एक पहले फोटो को क्लिक करवा लेना है, देन गाइस उसका बैकग्राउंड रेज करना है। एंड गाइस रेज करने के लिए मैं पिक्सआर्ट का यूज कर रहा हूं एंड गाइस ड्रॉ टूल का। सो गाइस आपको ड्रॉ टूल में अपनी फोटो ले जाने के बाद आपको यहां पर अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है। एंड गाइस इरेजर टूल में जाना है, इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आपको यहां पर साइज को अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फोटो को जूम करना है एंड आजा फटाफट से इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक परमानेंट वीडियो मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। बाकी मैं इसके बाद मिलता हूं आपको इरेज करने के बाद। एंड गाइस एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो मतलब पैर जो होगा गाइस जहां पे आपको ग्रास का जो है हिस्सा है वो वाला पार्ट रहने देना, क्योंकि आपको आगे वीडियो में काफी ज्यादा हेल्प होगी उससे, तो क्या हेल्प होगी वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। तो मैं फटाफट इसको इरेज कर लेता हूं। सो गाइस आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद गाइस आपको करना है आप सबको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस अभी आपने जिस मॉडल का अपना बैकग्राउंड रेज किया था आपको सिंपली उसको यहाँ पे ऐड करना है। एंड गाइस उसको ऐड करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप से आपको साइज रखना है, मतलब कि हाइट जो है आपके मॉडल की कुछ इतना रखना है। एंड गाइस इतना रख देने के बाद आपको कुछ मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पीछे जो हेलीकॉप्टर है गाइस उसके हिसाब से आपको हाइट रखनी है, मतलब कि जो आपको लाइनिंग से दिख रही है हेलीकॉप्टर के जो उसके पास तक आपको टच रखना अपना है, ठीक है। अब वो कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड जो मॉडल का साइज होगा गाइस आप ध्यान से रखना, मतलब कि आप देख ले आप अंदाजा लगा लेना कि आप जो सामने जो एक्ट्रेस है आपकी हाइट उससे लंबी है या छोटी है, ठीक है, आप उसके हिसाब से रख लेना। देन गाइस यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको ये करना है, अब आपको गाइस अपने मॉडल को पहुँचाना है गाइस दिशा पटानी के पीछे। तो वो कैसे पहुँचाना है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। आपको यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी कम करनी है। एंड गाइस यहाँ पे इरेजर टूल में जाना है। एंड गाइस उसके बाद हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे। एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली फोटो को जूम करना है। एंड गाइस जो बीच का एरिया गाइस जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, सिंपली कुछ इस टाइप से इरेज करना है। एंड गाइस एकदम ध्यान से करना अच्छे तरीके से, ताकि कोई ज्यादा एक्स्ट्रा इरेज ना हो जाए एंड गाइस कोई पार्ट रहना जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको इरेज करना अच्छे तरीके से एंड ध्यान से करना सब कुछ। एंड बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको फिर बताता हूँ। ओके गाइस सो यहाँ पे हमारा जो है इरेज जितना भी करना था हमने कर लिया है। अब गाइस हम दोबारा इरेजर टूल में जाएंगे। एंड उसके बाद गाइस जो ग्रास मैंने आपको छोड़ने के लिए बोलते वो क्यों बोला था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस आपको कम कर लेना है एंड उसका साइज को इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको सिंपली ऐसे गाइस ग्रास के जो ऊपर के एरिया ना गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज कर देना है एंड जो आपका बैकग्राउंड में जो इजिली मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करना है। एंड गाइस अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो यार इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आप सभी के लिए इतनी अच्छी ट्रिक बताई तो मैं यार प्लीज यार इसके लिए एक लाइक तो बनती है, तो प्लीज लाइक कर देना। एंड बाकी आप इसको फटाफट कर लेते हैं एंड आगे का प्रोसेस मैं आप सभी को बता देता हूँ फिर। तो यहाँ पे इरेज हो गया तो इसको फिल कर लेते हैं एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इतना हो गया हमारा काम, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको अब सिंपली डन कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब गाइस क्या करेंगे हम यहाँ से जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम एक ग्रास का पीएनजी।
ठीक है, जो कि ब्लर वाला ग्रास का पीएनजी को, इससे क्या होगा, इससे एक रियलिस्टिक लुक आएगा हमारी फोटो में, लाइक इस टाइप से, जैसे कि आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको फुल स्क्रीन करना है ना, कैसे कुछ इस टाइप से जैसे स्क्रीन पे रख देना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसके वजह से, एंड आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो आपको कुछ इस टाइप से करके यहाँ पर डन कर देना है। अब गाइस हमारी फाइनल बारी आती है रीटचिंग की, तो अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में। एंड गाइस लाइट रूम में गए तो यार मतलब लाइट रूम वाला पार्ट तो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार वहीं से हमारी फोटो का रिजल्ट है, वहीं से आता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, गाइस पहले तो आपको ऑटो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड गाइस अगर आपको उसकी लाइटिंग वगैरह अच्छी लगती है तो गाइस यहाँ से आप मतलब कि परफेक्ट कर लेना। एंड गाइस उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर लेना। जैसे कि गाइस अभी हम इस पर थोड़ा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा शेडो कम करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कम करेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ से हम जाएंगे कलर्स में, देन जाएंगे गाइस कलर्स मिक्स में, एंड उसके बाद यहाँ पे मोरज कलर को सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जो सैचुरेशन इसका कम कर देना है मतलब कि अपने फेस के अकॉर्डिंग, देन आपको उसका सैचुरेशन इंक्रीज करना है। एंड इसको जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको जो हेलीकॉप्टर कलर दिख रहा होगा गाइस वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका स्काई ब्लू रख लेते हैं। एंड उसके बाद जाना ग्रीन कलर में, आपको थोड़ा सा ग्रास वगैरह का कलर चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ से येलो कलर में जाएंगे, एंड का इसको सैचुरेशन का थोड़ा कम कर देंगे, एंड थोड़ा सा ह्यू बढ़ा देंगे ताकि जो ग्रीन टोन आ जाए, इतना परफेक्ट है गाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सिंपली कर लेंगे डन, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने। अब गाइस यहाँ से जाएंगे हम कलर के नीचे वाले टूल में, फिर उसके बाद गाइस कलर के नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस थोड़ा सा विग्नेट डाल देंगे फोटो में, हल्का सा डालेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो नकली लगेगी फोटो। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है ग्रेन माउंट पे, लेकर आपको गाइस ग्रेन माउंट बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, गाइस यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है। एंड गाइस इसके नीचे जो है मतलब कि आपको क्या करना है, इसके नीचे मिलेगा आपको नॉइज़ रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है, नॉइज़ रिडक्शन मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना, जो भी मतलब फोटो में नॉइज़ होगा वो चले जाएगा। फिर आपको अभी नीचे मिलेगा कलर नॉइज़ रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो एंड गाइस आप देख सकते हो गाइस फोटो का रिजल्ट जो है आप सभी के सामने है। तो गाइस ऐसा करते हो यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नया है कोई भी मेरा भाई तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सर किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।